देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी इफको ने कृषि को उद्योग का दर्जा देने के साथ साथ कृषि को सरकार के कंट्रोल से मुक्त करने की बात कही है। साथ ही साथ इफको ने सेज यानी कि विशेष आर्थिक जोन को लेकर ही सवालिया निशान लगा लिया है। इफको का साफ तौर पर यह कहना है कि सेज गांवों में होना चाहिए, ना कि किसी किसान की भूमि पर। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। खेती पर खत्म हो सरकार का कंट्रोल, खेती को मिले उद्योग का दर्जा। जी हाँ, ये कहना है इफको का। इफको के मुताबिक देश में अभी तक प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिफॉर्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्यों में मंडी टैक्स, कृषि एक्ट है और कमीशन एजेंट है। इसके चलते किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और खेती करना सिर्फ कर्ज बढ़ाने जैसा काम हो गया है। हमारा कहना था, एक जमाने में हमारे था ना, उत्तम खेती मध्यम बाल, निकेत चाकरी भीख निदान। तो आज क्या हो रहा है? आप सब उल्टा हो रहा है। उत्तम खेती कोई नहीं मान रहा है। तो खेती के लिए आपको उत्तम बनाना है, उसको फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन बनाना है, तो उसको आपको टोटल फ्री करना होगा। सेज की जरूरत नहीं, कृषि भूमि का अधिग्रहण रुके। इसके अलावा इफको ने सेज यानी विशेष आर्थिक जोन को लेकर सवाल किए हैं कि क्या सेज के लिए जरूरी है कि कृषि भूमि का अधिग्रहण हो। इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यूएस अवस्थी के मुताबिक सेज गांवों में होना चाहिए और गांव के लोगों को उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए। वैसे यहां पर है, यदि हमारे पास जमीन किसी गई है तो उसका आप कम से कम 10%, 20%, 26% उस नर्सरी में शेयर करिए, उसको उसके बोर्ड में करिए, तो उसको उसमें इन्वॉल्व करिए। उसकी लैंड जाने का मतलब क्या है? उसकी लैंड जाके आप इंडस्ट्री बना रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो कोई एग्रीकल्चर लैंड ले तो उसमें उसको इक्विवेलेंट शेयर की वैल्यू जो है वो 26% से कम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल किसानों के मुद्दे को लेकर इफको ने अपनी ये बेबाक राय सरकार के सामने रखी है। इफको की माने तो आज कोई भी खेती करने के लिए तैयार नहीं है और अगर सरकार कृषि को बढ़ावा देना चाहती है तो प्रैक्टिकली एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। सत्येंद्र शुक्ला, सहारा न्यूज ब्यूरो, चंडीगढ़।